There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can let. सबसे पहले हम कुकर प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त। साथ ही हम इसमें जो है प्याज और टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने इस तरह कट किया था। साथ ही हम इसमें लहसुन वाला पानी डाल देंगे, 2 कप के करीब पानी है। इसमें इतनी सी हम हल्दी डालेंगे। हसबे जायका नमक डालेंगे। और हसबे जायका ही हम इसमें रेड मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। साथ ही दोनों वेट भी ऊपर लगा देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के चेक कर लेंगे। टमाटर के जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं गोश्त अच्छे से गल गया। तो माँ, अब आप इसमें क्या डाल रही हैं? टेबल स्पून है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही डालेंगे। मामा, दही में क्या मिलाया था? आंच इसकी हम तेज रखेंगे। अब इसमें हम जो है ये कुटी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई कुटा हुआ जो है सूखा धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून है दोनों चीज़ें। साथ ही ये गोल मिर्चें हैं 3-4, साबुत मिर्चें जिसे कहते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी डाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना लगे। साथ ही हम इसमें अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, वो डाल देंगे। हमने इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है, तब तक भूनना जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दें। सिर्फ थोड़ी सी खुशबू के लिए।
ये देखिए अब ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा अदरक है जुलियन कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च है, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। व्यूवर्स बहुत आसान है ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना अगर आपको और इस तरह की रेसिपीज चाहिए। बहुत मज़े की बनती है और ये सियालकोट में बहुत मशहूर है बट कढ़ाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।